I love you. बनाओ गर्लफ्रेंड को देख के आई. चलो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कितना अच्छा. तो एक बार हमारे रेस्पेक्टेड सूरज सर के लिए, हमारे प्यारे से धनंजय सर के लिए एक बार फिर से चिल्लाते हुए पूरी एनर्जी दी गई है. कैसे लग रहे हैं? मुझे कैसे लग रहा है पता है? मुझे पूरे राम लखन जैसे लग रहा है. और मैंने बताया था ना कि हमारे सर की स्माइल बहुत अच्छी है. तो देखिए, झूठ बोला था, सही बोला था ना? बराबर है या नहीं है? कितने लोगों को अच्छी लग रही है? कितने लोगों को अच्छी लग रही है? सबको. इनकी स्माइल लेके जाना घर. सच में आपकी बीवी बिल्कुल खुश रहेगी ऐसे ही, जैसे सर मुस्कुराते रहते ना वैसे ही. और कोई कोई का पति थोड़ा सा गुस्सा होता है, ऐसे कर लेता है मूंछों के ऊपर. तो सर से स्माइल लेके जाना. तो फिर हस्बैंड जो अभी नहीं आए ना सेमिनार में, सर से मिलने नहीं आए ना, तो वो नेक्स्ट टाइम से आने लगेंगे, है ना? सही बात है. तो लेके जाने वाले हो, किस में लेके जाओगे? कुछ लाए हो? कुछ डिब्बी भी, कुछ पैकेट लाए हो? कैसे लेके जाओगे बताए? कैसे? दिल में? कोई कह रहा है दिमाग में. कहाँ लेके जाओगे? दिल में इतनी जगह है, बचा के रखी थी आज. सच में दिल से सर का वेलकम किया. सब लोग यहाँ दिल से बैठे हुए हैं और सर आए हैं हम लोगों से मिलने. इतनी दूर से आए हैं, ये समय बहुत कीमती है. और सच में इस दिन का, इस पल का हम सब लोग बहुत इंतजार करते हैं. बहुत टाइम रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत टाइम हमें इंतजार करने के बाद ये समय मिलता है तो खुशी बहुत बढ़ जाती है ना? और पैर लड़खड़ाने लगते हैं, जवान लड़खड़ाने लगती है ना? और बॉडी के अंदर एक अजीब सा वाइब्रेशन होता है. होता है कि नहीं होता? लग रहा है नहीं लग रहा है ना? क्योंकि आज हम जिनकी वजह से यहाँ पर खड़े हुए हैं, सच में उसका पूरा श्रेय दें तो आज हम अपने डायरेक्टर सर का, हम अपने धनंजय सर का पूरे दिल से एक बार इनका धन्यवाद करते हैं. अपने रेस्पेक्टेड धनंजय सर को